हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ABCD एजुकेशन। आज मैं आपको GK बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था आपको, ये सेकंड पार्ट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, बट इसमें गिवन फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। इसका आंसर है सी। एंड कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ एरिया के बारे में। जो भारत का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे विश्व में से सबसे, यानी कि 2.42% है। एंड पॉपुलेशन में है 17.5% भारत का, वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 17.5% भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीस, यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। ये क्वेश्चन SSC में और सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम सबसे पहले पहुंचता है। हम आंसर कह सकते हैं पश्चिम घाटी। किस में पहुंचता है, पश्चिमी घाटी। कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ कम होती है। सबसे कम वर्षा होती है लेह में, कहाँ होती है, लेह में। एंड सबसे ज़्यादा होती है मानसिनराम, कहाँ पर, मानसिनराम सबसे ज़्यादा होती है। और अपने इंडिया में, जो भारत में वर्षा का एवरेज यानी कि औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर, ये भी पूछा जाता है 118 सेंटीमीटर। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ क्लियरली। क्वेश्चन में क्या है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। आंसर इज बी, ए, ब्लैक सॉइल मीन्स काली मिट्टी। और काली मिट्टी को अदर नाम से बोला जाता है रेगुर सॉइल। ओके, और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ कि क्या रखना, जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल का मैंने आपको बता दिया, रेगुर सॉइल बोलते हैं। और काली मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ याद रखना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी, शाहजहाँ के काल में, रणजीत सिंह के काल में, जहांगीर के काल में, या इनमें से कोई नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी स्थापना ये हुई थी, अकबर के काल में। कब हुई थी, अकबर के काल में, जो कि कब हुई थी, 1600, याद रखना 1600 ईयर में हुआ था अकबर के काल में। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिमला समझौता हुआ था कहाँ, किसके साथ, किसके बीच में होता है, ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कब हुआ था, कब के बारे में आपको बताता हूँ, ये हुआ था 1972 में हुआ था। ओके, 1972 में हुआ था। और सम्मेलन कब हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में, 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था, ये कह सकते हैं पानीपत के सेकंड युद्ध में, यानी कि द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जो हुआ था 1526 को, यार 1526 को, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, बाबर जीता था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर एंड हेमू के बीच में, इसमें अकबर विजयी रहा था। आंसर इज बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था, आंसर सी, पशुपालन। क्या था, पशुपालन, क्या रहा ना। और जो ऋग्वेदिक काल है ना, उसके देवता यानी कि ऋग्वेदिक पशु, जो कि पशुओं के देवता कौन थे, पूषण थे।
वो शर्तें. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कुतुब मीनार. कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था इल्तुतमिश ने. स्टार्टअप किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. सो आंसर इज. और कब यानी कि जो कुतुब मीनार निर्माण योजना ये वन यानी कि 1199 में ईयर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी. याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. और ये किसके कार्यकाल में कम्प्लीट हुआ था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में. और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के मेहरौली में स्थित है. ओके सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? इसका आंसर है ओराम. ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. भारतीय संविधान में प्रथम प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति. क्या है? राष्ट्रपति. मूल अधिकारों की जो निलंबित करने वाली सत्ता है वो है राष्ट्रपति. राष्ट्रपति करते हैं. एंड मैं आपको कुछ और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट बातें क्योंकि मैं है इसमें क्या है. मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हुआ है? ये अमेरिका से लिया हुआ है. कहाँ से लिया हुआ है? अमेरिका से. और जो इसका वर्णन किया है उसका है आर्टिकल 12-15 में. ओके 12-2 मूल अधिकार मीनिंग मौलिक अधिकार कह सकते हैं. ये अमेरिका से लिया है और ये 12-15 के अनुच्छेद के बीच में है सारा. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट है संसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. संसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सो आंसर इज डी. निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आंसर इज हिमालय. हमें कुछ बताया था कि जो अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत किसके बीच में? अरावली पर्वत राजस्थान और सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में है. कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ये है भारतीय न्यायिक सेवा. भारतीय न्यायिक सेवा नहीं है. बाकी सारे IAS, IPS, IFC, IFS. ठीक है सो आंसर इज बी. उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है वो है ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन. जगह पिटवा लोहा क्या तो राउट आयरन जो कि प्योर आयरन है स्टेन स्टील. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट पे आते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं संयोजक बंधक का उदाहरण है? इसका आता है सोडियम ऑक्साइड यानी कि अपना है NaOH. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? इसका है टैरिफ. इसको बोलते हैं टैरिफ. और चुंगी क्या होता है? चुंगी होता है एक जो कि नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया कर चुंगी कर कहलाता है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. शुष्क सेल में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. क्या होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. प्रिज्म द्वारा यानी डिस्पर्शन में किस रंग का विचलन यानी डिवीजन सबसे अधिक होता है? सॉरी जो मैंने आपको भी बताया था सूक्ष्म यानी शुष्क सेल में होता है तो क्या होता है इसमें? इसमें होता है अमोनियम यानी कि अमोनियम क्लोराइड. आंसर इज ए करेक्ट. अमोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्रिज्म द्वारा यानी डिस्पर्शन में किस रंग का डिवीजन सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बैगनी कलर में सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन होता है. सबसे ज़्यादा हो सकता है लेकिन सबसे कम पूछा यानी कि देखो किस रंग का यानी प्रिज्म द्वारा विशेष सबसे अधिक होता है ये बैगनी. आंसर इज बैगनी. बट सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है रेड में. यार सबसे कम होता है रेड में. सो आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर. ये भी साइंस में से क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से अस्थाई कर है तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन है अस्थाई कर. ये कि अब मैं बता देता हूँ कुछ जो कि बातें न्यूट्रॉन के बारे में. न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन
ये डिस्कवर हुआ था 1932 में। ये क्वेश्चन काफ़ी हो सकता है, जो किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। ओके, एंड मैं आपको इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, टॉमसन ने। किसने? टॉमसन। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता, टॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, टॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये गोल्ड डस्ट ने। किसने की थी? गोल्ड डस्टिन ने की थी। ओके, सो दैट कंप्लीट। सो आंसर इसका इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी। आंसर इज वाट। इनमें से कौन सा ऊर्जा कारक नहीं है? वाट नहीं है, बाकी सब अर्क, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट है सारा। ठीक है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? आंसर इज क्वांटास। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो राष्ट्रीय विमान की सेवा का क्या नाम है? क्वांटास। और मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपोर्टेंट बता दूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल कौन सा, उसमें लेबर पार्टी याद ना, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, लेबर और रेगुलर पार्टी, दो पार्टी हैं इसमें वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु पता है आपको, कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट है। और ऑस्ट्रेलिया समाचार एजेंसी है वो AAP है। यानी कि हैंडबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये होती है 12। यार ना 12 होती है, मैं कुछ बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को सारा इसमें पता चल जाए आपको। कबड्डी में होती है 7, ठीक है, बेसबॉल में होती है 9, और रग्बी फुटबॉल में कितना होती है? 15। पोलो में होता है 4। सो सारा आपको पता होगा। सो दैट वाज कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? आंसर है शून्यकाल। कौन सी है इसमें? शून्यकाल। और इसमें कुछ इसी इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं थोड़ा, जो कि ज़रूरी है। जैसे कि अमेरिका कहाँ से, यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया हुआ है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया हुआ है, और संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट संगतियाँ कनाडा से ली हैं, और जो संशोधन होता है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। श्रेष्ठ कृति दी लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी? ये किसने की थी? लियांड्रो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी कि IPA कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है नहीं, बट मैं बता देता हूँ ये कहाँ पर है। IPA यानी कि वियना में। और समाचार एजेंसी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में AAP है, और भारत में PTI भारत में। ओके, मैं ना कहाँ पर, मिश्र में। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट बता देता हूँ। सो क्वेश्चन वाज कंप्लीटेड।